बिहार में एक बार फिर से एक शादीशुदा महिला का प्रेम प्रसंग चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल महिला 3 बच्चों की माँ है, जिससे मिलने के लिए उसका प्रेमी अक्सर रात को गांव आया करता था, जिसकी भनक ग्रामीणों को पहले से थी। इसी कड़ी में बीती रात फिर से महिला से मिलने उसका प्रेमी गांव आया और महिला के कमरे में घुस गया, लेकिन मौके की ताक में बैठे ग्रामीणों ने महिला के घर में प्रेमी के घुसते ही धावा बोल दिया। ग्रामीणों ने महिला और उसके प्रेमी को दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। दरअसल मामला बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा क्षेत्र का है, जहां गुदना निवासी 3 बच्चों की मां से मिलने उसका प्रेमी फतेहा निवासी महेश कुमार रात के अंधेरे में पहुंच गया। इसकी भनक लगने पर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार महिला की शादी 2013 में गुदना के झड़िया चौक पर हुई थी। शादी के बाद से उक्त महिला अपने पति के साथ गुजर बसर कर रही थी। इसी बीच महिला को 3 बच्चे भी हुए। इधर महिला का पति कमाने के लिए दिल्ली चला गया, अकेलापन खलने लगा। इसी क्रम में महिला को फतेहा गांव निवासी बेगूसराय की एक जांच घर में कार्यरत 32 वर्षीय लैब टेक्नीशियन महेश कुमार से प्यार हो गया। महेश कुमार ने महिला के साथ नजदीकी बढ़ाई तो महिला भी प्रेम में डूबती चली गई। पति के घर आने के बाद भी इन दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। जैसे ही पति घर से निकलता दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। इसकी भनक परिजनों को भी लगी, फिर ग्रामीणों को भी इनके प्रेम प्रसंग का पता चल गया। तब से सभी मौके की तलाश में थे। इसी क्रम में बुधवार की देर रात महेश कुमार फिर से अपनी प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंच गया। वह चोरी छिपे घर में घुसा, लेकिन इसकी भनक ग्रामीणों को लग गई। उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इसके बाद उसी कमरे में दोनों को बाहर से बंद भी कर दिया गया। सुबह होते ही यह बात जंगल में आग की तरह फैलने लगी। कुछ ही देर में गांव के लोगों की भीड़ जुट गई। पूछताछ के दौरान दोनों युगल जोड़ी ने एक दूसरे से प्यार करने की बात बताई, जिसके बाद घटना की जानकारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि राजीव चौधरी, वार्ड सदस्य प्रमोद शाह, पंच अर्जुन पंडित और महिला के परिवार ने उसके पति सुखदेव शाह को मोबाइल पर दी। बात सुनने के बाद दिल्ली में मजदूरी का काम कर रहे महिला के पति सुखदेव शाह ने पत्नी की शादी के फैसले पर सहमति जता दी। पति ने कहा कि अगर मेरी पत्नी किसी और से प्रेम करती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी शादी उसके प्रेमी से कर दी जाए। इसके बाद गुरुवार की शाम गुदना में गंगा किनारे स्थित शिव मंदिर में उसकी शादी रचाई गई। शादी पंचायत के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा लड़का के माँ एवं भाभी की उपस्थिति में कराई गई। शादी के बाद दोनों प्रेमी युगल को उनके घर भेज दिया गया। वहीं अब इस अनोखे प्रेम प्रसंग का मामला जिला से लेकर के राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी ब्याह सब ठीके ठीक सब बात चले रहे। एगो हुए पतिये में एगो ओकर फुफेरी बहिन रहे, वो जे अपन गुटुर मुटुर की भले अपन मोबाइल पर बात करे। आजकल मोबाइले वाला तो बात हो चुके, घर वाला के तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लड़का भी तरफ से 3 गो बाल बच्चा छे, 2 गो लड़की छिके आ एगो लड़का छिके, सब बढ़िया खुशी खुशी खाई रही। भितरे भितरी 2 महीना गला भले हन छोड़ा के वहाँ दिल्ली यदि बाहर में रहे तहाँ वहाँ से तकर बाद राति के मोबाइल पर बोला के की कहे छिके घर में लफड़ा लगे रहे, किया घर में वो अकेले रहे रहे, बच्चों दोनों तीनों जो रहे से मामे भीरा सुते रहे, वो घर में असकरे रहे रहे। अब बड़का आदमी से कोई मतलब नहीं थे, सब तो अपना अपना घर में रहे हैं। अब रात को फंस गए एम भ गए अभी ने अथी करल गए तो लड़का कल के हम तो पहले से ही इससे शादी से पहले गाने हमको अथी है तो हम उससे शादी करेंगे उसका ओकरो पूछल गए तो वो कल के कि से हाँ हम शादी करबे करबे
वहमे गाँव वाला से राखी बनाए गल गाँव से शादी लड़की तुहन लड़की हमारे भावो लगे आपत्ति शादी से तोरा नहीं छो आए शादी से आपत्ति भी छो शादी से हमारा जब पति लड़की और लड़का दुनू जर भ तेसर आदमी के ना की कर पैते हैं तो तेसर आदमी की लड़किए जब कह रहा है कि हमें कने ओपरे जो शादी करब अपने के नाम हमार नाम सहदेव साह।